राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है किशोर बच्चों हेतु मनोरंजन और ज्ञान से भरपूर रेडियो पत्रिका किशोर जगत। किशोर जगत में आइए सुनते हैं कार्यक्रम आर्किमिडीज। आज से लगभग 2500 साल पहले की बात है, इटली के दक्षिण में स्थित सिसली नामक द्वीप पर बसा था एक नगर साइराकूस, जो यूनानी साम्राज्य का हिस्सा था। साइराकूस पर रोम राज्य की सेना ने आक्रमण कर दिया। रोम की सेना बहुत शक्तिशाली थी और उसके जीतने की पूरी उम्मीद थी। अरे जहाज तेज करो, चप्पू तेज करो, जल्दी! पर अचानक रोम के सैनिकों में हलचल शुरू हो गई। अरे अरे, उस जहाज के पाल पर इतना तीव्र प्रकाश का बिंदु कैसे आया? उस बिंदु पर तो जहाज के पाल ने आग पकड़ ली। वो देखो, प्रकाश का बिंदु अब दूसरे जहाज पर है। अरे वहां तो आग भी लग गई। और उधर देखो, शहर की दीवार से लोहे का डंडा कि कैसे बाहर आ रहा है। अरे डंडे ने तो जहाज को ऊपर उठा लिया। उठाकर गिरा दिया। अरे भाई, ये तो बड़े अचंभे की बात है। अरे देखो, पत्थरों की वर्षा भी। अरे भागो, साइराकूस की ओर से कोई दैत्य शक्ति न रही पर रोम की सेना का सेनापति समझ गया कि इन सब के पीछे कोई दैत्य शक्ति नहीं, बल्कि साइराकूस के एक बहुत बुद्धिमान नागरिक का दिमाग था, और वो बुद्धिमान नागरिक थे आर्किमिडीज। आर्किमिडीज प्राचीन काल के एक महान आविष्कारक और गणितज्ञ थे। उन्हें सिद्धांतों और सूत्रों की खोज के साथ साथ व्यावहारिक समस्याओं का हल खोजना भी बहुत अच्छा लगता था। इसीलिए जब साइराकूस के राजा को रोम की शक्तिशाली सेना के द्वारा आक्रमण का अंदेशा हुआ, तो उन्होंने आर्किमिडीज को बुलाया और उनसे नगर की रक्षा के लिए कुछ उपाय करने का अनुरोध किया। आर्किमिडीज ने बहुत सोच विचार और प्रयोगों के बाद नगर की रक्षा के लिए अनेक यंत्र बनाए। ये यंत्र गुलेल, लिवर, पुली आदि के सिद्धांतों पर आधारित थे। ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं यंत्रों में से एक था विशेष प्रकार का बड़ा सा दर्पण। इस दर्पण से सूर्य की किरणों को जहाजों के पालों पर केंद्रित कर उनमें आग लगाई जा सकती थी। आर्किमिडीज के इन सब यंत्रों से रोम की सेना में हड़कंप मच गया। रोम का सेनापति समझ गया कि सीधी भिड़ंत से जीत असंभव थी, और उसने सेना को पीछे हटाकर साइराकूस का घेरा डाल दिया। पर आर्किमिडीज के यंत्र इतने प्रभावी थे कि रोम के सैनिक दोबारा साइराकूस के पास आने में सफल नहीं हो पा रहे थे।
और सायराकूस के वासी फिर से लगभग सामान्य जीवन व्यतीत करने लगे। आर्किमिडीज का जन्म हुआ था सन 287 ईसा पूर्व में, यानी आज से लगभग 2500 साल पहले। आर्किमिडीज का पूरा जीवन सायराकूस में बीता, सिवाय चंद वर्षों के जब वो गणित पढ़ने मिस्र के एक नगर अलेक्जेंड्रिया गए। वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ने, लिखने और सोचने में लगाते थे। उनके मन में ढेरों प्रश्न उठते जिनका कोई उत्तर न बता पाता, तो फिर वो अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही खोजने में लग जाते। वो घंटों अपने कमरे में रेत की परत पर रेखाचित्र खींचते, कुछ लिखते और सोचते रहते। वो अपने काम में इतना लिप्त हो जाते कि कभी कभी तो खाना पीना और नहाना धोना भी भूल जाते। आर्किमिडीज को यथार्थ वस्तुओं से प्रयोग करने में भी उतना ही आनंद आता था जितना गणित की समस्याओं से जूझने में। प्रयोग करते करते उन्हें लीवर के सिद्धांत की इतनी गहरी समझ हो गई थी कि एक दिन उन्होंने सायराकूस के राजा से दावा किया। महाराज, यदि मुझे पृथ्वी के अलावा खड़े होने की कोई और जगह मिल जाए तो मैं एक लंबे डंडे से पूरी पृथ्वी को अकेले हिला सकता हूँ। आर्किमिडीज, तुम ऐसा असंभव दावा इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें भरोसा है कि खड़े होने के लिए ऐसी कोई जगह हो ही नहीं सकती। महाराज, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपको कोई और अत्यंत भारी वस्तु हिलाकर दिखा सकता हूँ। ठीक है आर्किमिडीज, हमारा एक नया जहाज बना है जो बहुत भारी है। यदि तुम अकेले उसे खिसका दो तो मैं तुम्हारा दावा सच मान लूंगा। ठीक है महाराज। और इस शर्त की खबर पूरे शहर में फैल गई। नियत समय पर पूरा शहर उमड़ पड़ा उस जगह पर जहां जहाज खड़ा था। जहाज तो पहले ही बहुत भारी था, फिर भी महाराज ने उसमें और बहुत सा सामान लदवा दिया है। भाई, मुझे नहीं लगता कि आर्किमिडीज इस जहाज को हिला पाएंगे। पर वो देखो आर्किमिडीज को, वो तो जरा भी विचलित नहीं है। अरे, वो तो उन रस्सियों और घिरनियों की जांच पड़ताल में लगे हैं जो उन्होंने जहाज और तट के बीच में जोड़ी हैं। अरे देखो, महाराज ने इशारा कर दिया। आर्किमिडीज ने उस बड़ी सी घिरनी को घुमाना शुरू कर दिया है। जहाज खिसकने लगा है। जहाज वाकई खिसक रहा है। इस घटना के बाद से राजा तो आर्किमिडीज की बुद्धि के ऐसे कायल हो गए कि जब भी उनके सामने कोई समस्या उठ खड़ी होती तो वो आर्किमिडीज को ही याद करते, और आर्किमिडीज ने समस्याओं का समाधान ढूंढते ढूंढते कई ऐसे आविष्कार किए जो विज्ञान की नींव बन गए। आर्किमिडीज का सिद्धांत जो आज तक स्कूली बच्चे पढ़ते हैं, उसकी शुरुआत भी हुई थी एक समस्या से। सायराकूस के राजा ने अपने लिए सोने का एक नया मुकुट बनाने का आदेश दिया था। जब मुकुट बनकर आया तो राजा को शक हुआ
कि सुनार ने मुकुट के सोने में मिलावट की है। पर समस्या ये थी कि मुकुट की शुद्धता की जांच कैसे की जाए। अंततः राजा ने ये समस्या भी आर्किमिडीज को सौंप दी। आर्किमिडीज ने मुकुट लिया और साथ ही उसके द्रव्यमान के समान द्रव्यमान का एक शुद्ध सोने का टुकड़ा राजा के खजाने से लिया। बहुत सोच विचार और प्रयोगों के बाद आर्किमिडीज इस नतीजे पर पहुंचे। यदि एक ही पदार्थ की बनी दो वस्तुओं के द्रव्यमान बराबर हों, तो उनके आयतन भी बराबर होंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि मुकुट शुद्ध सोने का है, तो उसका आयतन और सोने के टुकड़े का आयतन बराबर होने चाहिए, और यदि मुकुट में मिलावट है, तो उसका आयतन और सोने के टुकड़े का आयतन भिन्न होंगे। पर अब प्रश्न यह है कि दोनों के आयतनों की तुलना कैसे की जाए। आर्किमिडीज इस समस्या पर हफ्तों सोचते रहे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। एक दिन वो इसी उधेड़ बुन में नहाने गए। उस जमाने में शहरों में सार्वजनिक गुसलखाने होते थे। वहां नहाने के टब में पानी लबालब भरा था। आर्किमिडीज जैसे ही टब में बैठे, थोड़ा पानी बाहर छलका और आर्किमिडीज के दिमाग में एक विचार कौंधा। अरे, ये बाहर कितना पानी छलका है? क्या इसके आयतन और मेरे शरीर के डूबे हिस्से के आयतन में कोई संबंध है? ये दोनों आयतन तो बराबर होंगे। ओह, तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि कोई वस्तु द्रव में डूबे जाने पर अपने आयतन के बराबर आयतन के द्रव को विस्थापित करती है। यूरेका! 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 यूरेका यानी कि मिल गया। आर्किमिडीज तो इतने उत्साहित हो गए कि वो टप से लपक कर बाहर निकले और बिना कपड़े पहने ही अपने घर की ओर दौड़ पड़े। अरे, ये बिना कपड़ों के कौन भागा जा रहा है? आर्किमिडीज है ये। है? क्या मिल गया? लगता है मुकुट की शुद्धता को जांचने का तरीका। आर्किमिडीज को अपनी समस्या का हल मिल गया था। उन्होंने मुकुट और सोने के टुकड़े को बारी बारी से एक पानी से लबालब भरे बर्तन में डाला। और दोनों बार बाहर छलके पानी को नापा। उन्होंने पाया कि दोनों के आयतन भिन्न भिन्न थे। इसका मतलब कि मुकुट का पदार्थ शुद्ध सोने से भिन्न था। इस प्रकार आर्किमिडीज ने सिद्ध कर दिया कि सुनार ने मुकुट में वाकई मिलावट की थी। पर आर्किमिडीज का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। सोने में मिलावट की जांच करते करते उनके मन में तो कई सारे विचार आ गए थे। वो भिन्न भिन्न द्रवों और ठोस पदार्थों की वस्तुएं लेकर अन्य कई प्रयोग करते रहे और इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत खोज निकाला, जो आज तक आर्किमिडीज के सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु को द्रव में डुबोने पर उसके भार में
कमी प्रतीत होती है और ये कमी वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होती है। आर्किमिडीज अपना मुख्य कार्य तो गणित ही मानते थे और व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने जो भी यंत्र बनाए या सिद्धांत खोजे उन्हें वो गणित का ही व्यवहारिक उपयोग मानते थे। आर्किमिडीज को ज्यामिति का अपना एक आविष्कार इतना महत्वपूर्ण लगा कि उनकी इच्छा थी कि उनके मरने के बाद उनकी कब्र के पत्थर पर उसका रेखा चित्र बनाया जाए। आर्किमिडीज के जीवन काल में ही उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी, यहां तक कि शत्रु राज्यों के लोग भी उनकी इज्जत करते थे। इसीलिए 3 साल की घेराबंदी के बाद जब रोम की सेना अंततः सायराकूस पर कब्जा करने में सफल हो गई तो रोम के सेनापति ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, आर्किमिडीज या उनके घर या उनके सामान को नुकसान पहुंचाने की जरूरत कोई सैनिक ना करे। आर्किमिडीज जहां भी मिले उन्हें इज्जत के साथ मेरे पास लाना। सायराकूस पर रोम की सेना ने कब्जा कर लिया था, पर आर्किमिडीज इन सब से बेखबर अपने घर में ज्यामिति के एक प्रश्न का हल ढूंढने में लगे थे। वो रेत में रेखा चित्र खींचने में इतने तल्लीन थे कि उन्हें न शोर सुनाई दिया न नगाड़ों की आवाज। उसी समय एक सैनिक वहां आ पहुंचा। आर्किमिडीज तुरंत मेरे साथ चलो, हमारे सेनापति का आदेश है। ठहरो, अभी रुको, अभी तो मैं इस समस्या में व्यस्त हूं, इसको हल करने के बाद ही तुम्हारे सेनापति के पास जाऊंगा। समस्या को इस प्रकार अधूरा कैसे छोड़ दूं? ये रेत की परत पर आड़ी तिरछी लकीरें, ये तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि तुम सेनापति के आदेश का पालन नहीं कर रहे हो। छोड़ो इसे और उठो। मैंने कह दिया मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने मेरे रेखा चित्र का नाश कर दिया। अब तो मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जाऊंगा। सैनिक गुस्से में इतना आग बबूला हो गया कि अपने सेनापति के आदेश की अवहेलना करते हुए उसने आर्किमिडीज का उसी समय वध कर डाला। रोम के सेनापति को जब पता चला कि आर्किमिडीज नहीं रहे तो उसे बेहद दुख हुआ। उसने आर्किमिडीज के मृत शरीर को बहुत आदर सम्मान के साथ दफनाया और उनकी कब्र के पत्थर पर उनकी इच्छानुसार रेखा चित्र खुदवाया। इस प्रकार सन 212 ईसा पूर्व में इस महान विद्वान का अंत हो गया। आज की दुनिया और आज से 225 साल पहले की दुनिया में कितना फर्क है। आज हमारे पास पिछले हजारों सालों से असंख्य पीढ़ियों द्वारा किए गए ज्ञान सृजन का खजाना है और इसी ज्ञान के खजाने पर टिके होते हैं हमारे आज के महत्वपूर्ण आविष्कार। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने अपने एक महत्वपूर्ण आविष्कार का श्रेय अपने से पूर्वकाल के विद्वानों को देते हुए कहा था, मैं इतनी दूर तक इसलिए देख पाया क्योंकि मैं असाधारण मानवों के कंधे पर खड़ा था। और ऐसे ही असाधारण मानवों में से एक थे आर्किमिडीज। आर्किमिडीज
अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। शोध आलेख एवं विषय समन्वय डॉक्टर रचना गर्ग, कलाकार नीरज शर्मा, सुचित्रा गुप्ता, कीमती आनंद, राम मैनी, सुनील लोहिया और जैमिनी कुमार। तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार। तकनीकी समन्वय सतीश लाडे। ध्वन्यांकन अमिता भट्टी। निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।